आप उसको मारेंगे तो स्त्री हत्या हो जाएगी, स्त्री हत्या महापाप है, आप ऐसा ना करें। और फिर व्यास जी ने कहा देखो उस पोती को आप कैसे मार पाएंगे। बोले क्यों? कहा उसने तो आपकी अमर कथा को सुन लिया और जिसने अमर कथा सुनी वह अमर हो गया, तो कैसे कैसे वो उसकी मृत्यु होगी, आपका यह उद्योग निष्फल हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा न करें। व्यास जी ने अनुनय विनय किया, प्रार्थना करी, भगवान शिव ने क्षमा कर दिया। चले गए भगवान शिव कैलाश पर्वत पर और इधर कालांतर समय बीता और समय बीतने पर एक महीने दो महीने नौ महीना बीता। नौवे महीने में बालक का जन्म होना चाहिए, अब नौवे महीने में जन्म नहीं हुआ, दसवां महीना बीत गया, ग्यारहवां बीत गया, एक वर्ष बीत गया, दो वर्ष बीत गए, तीन वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष, छह वर्ष, सात वर्ष बीत गया, दस वर्ष बीत गया, ग्यारहवां वर्ष बीता। और जब बारहवां वर्ष लगा तो व्यास जी को चिंता लगा। व्यास जी ने सोचा कौन ऐसा जीव आकर के मेरी स्त्री के उदर में बैठ गया है जो अब अंदर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। जबकि गर्भस्थ शिशु को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है, जीव जब गर्भस्थ होता है तो गर्भस्थ जीव को बड़ा कष्ट होता है और सौ जन्मों की याद जीव को गर्भ में जब रहता है आती, जन्म कर्म सतोद्भवम, सौ जन्मों की याद जीव को गर्भ में रहता है तो इसे सौ जन्म की याद आती है। बारह वर्ष से गर्भ में बैठा है, बाहर नहीं निकलता। एक दिन व्यास जी ने स्नान करने के बाद निवेदन किया, कौन है महाराज आप जो मेरी धर्म पत्नी के गर्भ में बैठे हैं? अरे बारह वर्ष बीत गया, आप तो बाहर निकलिए, बहुत पीड़ा दिया आपने, अब बाहर आ जाइए, आप कौन है? अंदर से आवाज आती है कि मैं बाहर नहीं आऊं। क्यों बाहर नहीं आऊं? बोले इसलिए नहीं आऊंगा कि बाहर भगवान की माया है, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। और भगवान की माया बड़ी प्रबल है, गीता में भगवान कहते देवी हे साम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ते प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी माया बड़ी प्रबल, भगवान की माया बड़ी प्रबल, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा भैया तुम बाहर निकलो, मैं उस माया को काट रहा। माया को व्यास जी ने तो कुछ क्षण के लिए दूर किया, लेकिन व्यास जी माया से परे नहीं है, वो माया में लिप्त है। लेकिन आज सुखदेव जी को आना है, इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि माया जब तक नहीं जाएगी मैं नहीं आऊंगा। व्यास जी ने माया को अलग किया और सुखदेव जी महाराज नार व्यवहार के साथ एकाएक प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव स्वामी भगवान की जय। नार व्यवहार के साथ प्रकट होते ही, पैदा होते ही बारह वर्ष की अवस्था हुई, उनके लौकिक और वैदिक दोनों कर्मों का अनुष्ठान उनके जीवन में नहीं हुआ, पैदा होते ही तुरंत चल दिए तपस्या करने के लिए, क्योंकि माया तो है नहीं, माया से परे है। आगे आगे सुखदेव जी चल रहे हैं तो पुत्र के मोह में व्यास जी व्याकुल हो गए, पीछे पीछे व्यास जी चलते आवाज लगाते पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मानो सुखदेव जी की तरफ से ये वृक्ष जवाब देते हैं, प्रतिध्वनि करते हैं, पुत्र कहाँ आ रहे हो, पुत्र कहाँ आ रहे हो? यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह तातर आजुहाव पुत्रेति तनमय तया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। पैदा होते ही जो जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए, लौकिक वैदिक आदि अनुष्ठानों का जिनके जीवन में अवसर नहीं आया, ऐसे सुखदेव भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। अब तो सुखदेव जी चले गए जंगल तप करने के लिए, व्यास जी अपनी कुटिया पर आए, सम्यापास आश्रम में उनकी कुटिया है, कुटिया पर रहने लगे।
कई पुराणों की रचना व्यास जी ने की, 17 पुराणों की रचना कर दिया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, ऐसे ऐसे वेद का विभाजन किया, वेद को 4 भाग में बांट दिया। और जब वेद को 4 भागों में बांटा तो व्यास जी ने सोचा कि वेद में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि प्राप्त्या नाम द्विज बंधु नाम वेदै स्वनधिकारिणाम स्त्री नाम दुर्मे दशाम नाम धर्मज्ञा नाम कथम भवे। भाई स्त्रियों को वेद में अधिकार नहीं है, जो बागपत्ति है, जो जाधम है, ऐसे लोगों का वेद में अधिकार नहीं है, तो इनको धर्म का ज्ञान कैसे हो, ये धर्म के मर्म को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए विचार में इस तत्व मनसा भगवान नारायण पुराण संहिता दध्यो देशाम धर्म विदित्सया, ऐसा विचार करके व्यास जी महाराज ने पुराण की रचना किया, 18 पुराण को बनाया, 17 पुराणों की रचना कर दिया, महाभारत की रचना किया। लेकिन व्यास जी इन सारे पुराणों को तो बनाए, इनकी रचना कर दी, लेकिन व्यास जी के मन को संतोष नहीं। एक बार जीवन में व्यास जी को असंतोष हुआ, और एक बार जीवन में असंतोष हुआ उसी समय देवर्षि नारद जी कहीं से टहलते टहलते जा रहे थे, और जब उत्तराखंड पहुंचे तो सोचा बहुत दिन हुआ व्यास जी से नहीं मिला हूँ, यही थोड़ी दूर पर गंगा के पावन पुलिन पर व्यास जी की दिव्य कुटिया बनी हुई है, सम्याप्रास आश्रम है, वही व्यास जी निवास करते हैं, चलो आज व्यास जी से मिल लेते हैं। देवर्षि नारद जी चले और चलते चलते व्यास जी के पास पहुंच गए। व्यास जी ने जब देवर्षि को आए हुए देखा, देवर्षि जी को देखते हैं व्यास जी उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के प्रणाम करते, आसन दिया, बैठाया उनको, आसन दिया और आसन देकर के बैठाते, इसके बाद जल पान कराया, कुशल क्षेम पूछा, देखो खूब सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया, क्योंकि अतिथि के रूप में आए हैं नारद बाबा। अगर ये हर गृहस्थ को चाहिए, अगर हमारे आपके घर कोई अतिथि आ जाए, कोई व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले उठ करके खड़े हो जाए, खड़े होकर के उसका स्वागत करो, स्वागत करने के बाद उसको बैठाओ, उसे जलपान कराओ, जलपान कराने के बाद फिर उससे आप कुशल क्षेम पूछिए। जलपान कराया व्यास जी ने, इसके बाद कुशल क्षेम पूछा। नारद बाबा ने कहा, देव व्यास जी बोले क्या, कहा आप इतने बड़े विद्वान हैं, भगवान के ही अंश हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आपने 17 पुराण की रचना की, ये बताओ आज मैं देख रहा हूं आपके मुखमंडल की जो आभा है, आपका मुख इतना मलिन क्यों, आपके अंदर मैं असंतोष देख रहा हूं, आपके अंदर मैं दुख देख रहा हूं, कष्ट देख रहा हूं, क्या बात है, आप जैसे विद्वान को असंतोष हो जाए ये बात अच्छी नहीं, क्या कारण है। व्यास जी ने अपनी सारी कथा बताई, व्यास जी ने बताया, उसी समय देवर्षि नारद जी ने व्यास के उस असंतोष को दूर करने के लिए अपने पूर्व जन्म का चरित्र बताया, नारद जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे उस चरित्र के विषय में बताया, कहा देवर्ष, कहा व्यास जी आप चिंता न करें, मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, जैसे आप व्याकुल हैं मैं भी अपने जीवन में बहुत व्याकुल हुआ, पूर्व जन्म में व्याकुल हुआ, उस जन्म में तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवान तो नहीं मिले, उनका सानिध्य मुझे नहीं मिला, लेकिन संत के प्रभाव से, संतों की कृपा से जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मुझे भगवत धाम और भगवत सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए आप दुखी ना हो, पूर्व जन्म की कथा बताई, कहा मैं काशी पुत्र था, मेरी माँ विधवा थी, इकलौता मैं उसका बालक था, छोटा मेरी अवस्था छोटी थी,
मेरे ये सब संत की कृपा है, महात्माओं की कृपा है, संतों की कृपा है कि जो मैं आज उस दासी पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र देवर्षि नारद बना आपके समक्ष बैठा, ये संतों का प्रसाद है। का मेरे गांव में कुछ महात्मा लोग आया करते थे, और जब वो आते थे तो चतुर्मास चार महीने तक गांव में रहते थे। ये संत महात्मा आज भी चतुर्मास करते हैं, चार महीने तक एक ही स्थान पर रह करके भगवान की भगवत भजन करना, पूजा पाठ करना, ये उसको चतुर्मास कहते हैं। बोले महात्मा लोग आया करते थे। मेरी माँ जो थी वो श्रद्धालु थी, ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, उनके अंदर ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। तो जब गांव में संत महात्मा आकर के टिकते थे, रुकते थे, तो मेरी माँ जब उसको दूसरे के कार्य से कहीं मौका मिलता था तो शेष समय में वो जाती थी, उन साधु संतों की सेवा करती थी। और उस समय अपनी माँ के साथ मैं भी जाता था, उन साधु संतों के साथ रहता था। जब मैं भी अपनी माता के साथ उन साधु संतों का चरण दबाता था, उनकी सेवा करता था। महात्मा लोग जब स्नान कर लेते थे तो स्नान के बाद मैं उनके वस्त्र को उनको स्नान कराता था, फिर उनके वस्त्र को मैं कपड़े को साफ करता था, और महात्माओं के लिए माँ के साथ जंगल में जाकर के शमिधा इकट्ठा करता था, जिससे महात्मा गण हवन यज्ञ करते थे, और फिर भोजन में बनवाता था मैं अपने माँ के साथ। जब संत महात्मा भोजन कर लेते थे, उनका उनके भोजन के बाद जो उच्छिष्ट बच जाता था, उस उच्छिष्ट को मैं भी पाता था, उन महात्माओं का उच्छिष्ट खाता था। उच्छिष्ट लेपानं मुदतो भुजैः, का उन ब्राह्मणों के उच्छिष्ट को उनसे बचा। उच्छिष्ट कहते हैं झूठे अन्न को, उच्छिष्ट का अर्थ है जो भोजन के बाद बच जाता है, उसको उच्छिष्ट कहते हैं। का महात्मा लोग जब भोजन कर लेते थे, जो बचता था उसे मैं पा लेता था, बोले वो प्रसाद मान कर। और जब महात्मा लोग कीर्तन करने लगते थे तो उनके साथ मैं भी कीर्तन करने लगता था, और कीर्तन करते करते मैं नाचने लगता था, कीर्तन करता था। बोले इस प्रकार से जब कीर्तन होता तो तालियां बजा बजा करके साधु संतों के साथ खूब नाचता था। बोले इसका ये प्रभाव हुआ कि मेरा चित्त भगवान में लग गया, मेरा चित्त भगवान में लग गया। चतुर्मास समाप्त हुआ, उन संतों के द्वारा मुझे सत्संग मिला। चतुर्मास समाप्त हो गया, चतुर्मास समाप्त होने पर महात्मा सब चले गए, और जब महात्मा लोग गए चले तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला। तो संतों ने मुझे रोका कि बेटा मेरे साथ मत जाओ। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं भी चलूंगा। उन्होंने समझाया कि तेरी अवस्था अभी छोटी है। संतों ने सोचा होगा कि उसकी मैया ने इतना सेवा किया है, अगर इस बच्चे को लेकर के मैं चला जाऊंगा तो इसकी माँ यही सोच लेगी कि देखो महात्माओं की सेवा किया, और महात्मा जी जब गए तो एक ही मेरा बालक था, मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा था, और गए तो मेरे सहारे को भी लेकर के चले गए, इसलिए कहीं ये ना सोच ले। बोले नारद जी ने कहा उन महात्माओं ने मुझे वापस कर दिया, मैं वापस तो चलाया लेकिन मेरा मन अब भक्ति में रम गया, मैं रातों दिन भगवत भजन करने लगा, जब भी मुझे मौका मिलता बैठ जाता और भगवत चिंतन करने लगता। अब जब इस तरह से भाव भजन में भक्ति में लीन जब मेरी माँ ने मुझको देखा तो सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो एक ही बालक है यह भी संत हो जाए। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी से, व्यास जी मेरी मैया जो भी कोई मेरी माँ को मिलता तो सबसे यही कहती कि बेटा भैया मेरे बेटे को का जितना जल्दी हो सके विवाह करवा दीजिए। अब मेरी माँ विवाह के लिए परेशान होने लगी।
जैसे विवाह की बात मैंने सुना तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि अरे बाप राम राम विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह करके क्या करूंगा। मैं दुखी हुआ। जब दुखी हुआ तो एक दिन बैठा था, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मेरी माता मेरा विवाह कर देना चाहती है, तो किसी प्रकार से अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मेरा भजन नहीं होगा, तो मेरे भजन में ये सब बाधक हो जाएंगे, तो प्रभु मेरे भजन के जो बाधक हैं उनसे मुझे छुटकारा दिलाइए। बोले इस तरह से प्रार्थना की। और फिर कुछ दिन जब बीता तो एक बार जब मैं वहां से एक दिन मैं उन संतों को ढूंढते ढूंढते जब घर से दूर गया, चलते चलते बहुत दूर निकल गया, इतनी दूर चला गया कि एक घनघोर जंगल में पहुंचा। दोपहर का समय था, मुझे थकान थी, प्यास लगी थी, देखा एक सरोवर है, वहां सरोवर में जाकर के जल पिया, स्नान किया, स्नान करने के बाद वहीं बैठा और बैठ करके भगवत भजन करने लगा। और जैसे भजन करने लगा तो अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमतरा अस्नात्वा पीत्वा हरने नद्या उपस्पृष्टो गता समा। जल के पीने से उसने स्नान करने से मेरे शरीर की थकान दूर हो गई और प्रेम से मैं कीर्तन करने लगा। भगवान नाम कीर्तन करता हूँ, आप लोग भी दो बार प्रभु नाम संकीर्तन कर लीजिए। हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna Hare Krishna
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी राम चरण रो जागे तेरी अच्छी बनेगी राम चरण रो जागे तेरी अच्छी ये मोहन की रात्रि में
सारा संसार सो रहा है। और जिस रात्रि में हम सब सोते हैं संत महात्मा उसमें जग रहे हैं। ज्ञान निशा सर्वभूतानां मोह निशा जग सो निहारा। इसलिए मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और उन्हीं चार श्लोकों से व्यास जी ने फिर 18,000 श्लोक लिखे। 18,000 श्लोकों वाला इस ग्रंथ की